आज ये सरकार ये कहती है कि तुम घर के अंदर रहो, आज देखिए वही सरकार हमको घर से बाहर कर दिया। पूरे मेरे कपड़े फाड़ दिए वो लेडीज लोग ने। वो लोग तो चले गए, अपने अपने घर में चले गए, और हम लोग घर से बेघर हो गए, इसका कौन सहारा होगा। और अभी जल्दी निकलो नहीं तो मार करके निकालना आता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुमरा के ओल्ड नशेमन कॉलोनी में, और यहाँ पर आपको बता दें कि हैदर बादर अपार्टमेंट है, करीब 3 से 4 महले की ये इमारत है, और ठाणे महानगर पालिका ने इसे धोखादायक बताकर जो है आज शाम को इसे सील कर दिया है। हालाँकि इस इमारत में जो लोग रहते थे वो लोग कुछ अपने सगे संबंधी के पास चले गए रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस इमारत के नीचे अपने सामान लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। तो क्या कहेंगे आप, ठाणे महानगर पालिका ने आज इस इमारत को कितने बजे सील किया? क्या आप लोगों को इसके पहले मनपा ने इसे धोखादायक बताकर नोटिस वगैरह कुछ पहले दिया था, या आज फिर अचानक आकर इस इमारत को सील किया गया है? हमको इससे पहले नोटिस दिया गया था रिपेयरिंग का, तो ऑडिट करवा के हमने रिपेयर के लिए ये बिल्डिंग कर रहे थे, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन इस कोरोना के टाइमिंग में, क्वारंटाइन के इसमें और जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ऐसे लोगों की हालत नहीं है आज जो मतलब इतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सके। जो कि आप देख रहे हैं स्लैब जो है सीढ़ी का दादर, हम लोग ने कुछ पैसे निकाल के खुद हम लोग ने साफ़ करके इसका मलबा इधर पे है जो कि हमने निकाले ले, और वो रिपेयर कर रहे थे कुछ दिन पहले ये हम लोग ने ऑडिट कराया तो C2 में ये बिल्डिंग थी, और 5 दिन के 7 दिन के बाद म्यूनसिपल्टी बोलती C1 में चली गई ये बिल्डिंग। हमने जो ऑडिट करवाए ले है वो TMC से ही करवाए ले, और TMC आके फिर बोलती है 7 दिन के बाद तक ये C1 में चली गई, तो ये ऐसा कैसा। और जब हमने ये छीले ये साफ़ करे जो दादर के है वो फ़ोटो उतार के बोलती है कि 24 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग खाली मंगता है। जब आपने बोले रिपेयर करने का तो हम रिपेयर कर रहे ले। अच्छा, रिपेयर का काम चालू था क्या इसी बार? रिपेयर का काम थोड़ा थोड़ा हमारा चालू था। मलबा भी बताओ, ये मलबा यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, और इस सेक्रेटरी के नाते से जो है जो पूरी बिल्डिंग वाले को हम लोगों ने इकट्ठा किए, और इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने कहे कि भाई मानपा की तरफ से जो है कुछ ऐसे पदाधिकारी आए हुए हैं, कोई साहब आए हुए हैं, इस तरह से बात कर रहा है। तो हम लोगों ने आपस में मशवरा किया, तो मैंने कहा ठीक है अगर ऑडिट करना चाहते हैं तो आप ऑडिट कर सकते हैं। तो फौरन इमीडिएटली हम लोगों ने ऑडिट करने के आदेश दे दिया, और ऑडिट उन लोगों ने किए। करने के बाद जो है तीन दिन के बाद ऑडिट का रिपोर्ट हम लोगों को ला के दिया, और पहले तो नोटिस दिया था C1A का, और जब ऑडिट रिपोर्ट आया तो उसमें C2A करके आया। जब C2A करके आया तो मैंने साहब से मैंने पूछा कि सर इसके अंदर क्या प्रोसीजर किया है, बोला तुम रिपेयरिंग कर सकते हो। तो हम लोगों ने कोशिश करके जो है रिपेयरिंग की तैयारी की है, और तैयारी करने के बाद जब हम लोगों ने शुरू किए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का जो मामला चल रहा है सर, इस मामला में ऐसे मामला हो गए हैं कि किसी के पास पैसे हैं, यहाँ तो खाने के वांदे हैं, और अभी जो चल रहा है मामला खाने का मामला जो चल रहा है कि नशेमन के कुछ ग्रुप लड़के लोग जो है इस बिल्डिंग में खाना वगैरह दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग का हाल चल रहा है। तो रिपेयरिंग के लिए भी हम लोगों ने कोशिश कर करके जो है ना किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम लोगों ने लॉकडाउन होने की वजह से रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो पा, काम भी रहा, और बारिश भी हो रही है, और इस वजह से जो है फिर वापस 2-3 दिन के बाद एक साहब आते हैं, बोलते तुमको मैंने बोला था बिल्डिंग खाली करने के लिए 24 घंटे के अंदर, बिल्डिंग खाली क्यों नहीं किए? फिर हमको यहाँ से हमारी फैमिली रहती है, हम लोग तो कहीं खर्चे पानी के इसमें रहते हैं तो बाहर रहते हैं, तो हमारी फैमिली ने हमको फ़ोन करी कि ऐसा सब बात है। फिर हम लोगों ने वापस आ करके फिर साहब से मैंने पूछा कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले अभी तक तुम रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं किया। मैंने कहा साहब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। मैंने साहब को दिखाया, और दिखाने के बाद वो फोटो लिए, फोटो लेने के बाद वापस चले गए। वही वापस कितना दिन हुआ ये तकरीबन 7-10 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और उन्होंने ये बोल करके गया है कि जो तुम्हारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट था वो, और जो ऑडिट रिपोर्ट का जो डिस्पैच किया हुआ वो, और तुम हमको जो है वहाँ पे डिस्पैच करो। लेकिन अचानक आकर के इस तरीके से फैमिली को, कोई बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार आए हैं, कभी किसी तरह से कोई बीमार है, अचानक घर से बाहर कर देना, ये जो बारिश का जो मामला चल रहा है इससे तो और बड़ी बीमारी फैली जाएगी। आज देखिए सरकार ये कहती है कि तुम घर के अंदर रहो, आज देखिए वही सरकार हमको घर से बाहर कर दिया। ये क्या जवाब है, हमको समझ में नहीं आया। और नोटिस भी ऐसी आती है, 3 तारीख का नोटिस इशू होता है, हम लोग को 6 तारीख को नोटिस आता है, 3 दिन का वो अपना टाइम ले लेता है, और हम लोग को 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया जाता। 2 घंटे के अंदर सारा मामला क्लियर हो गया है। वो लोग तो चले गए, अपने अपने घर में चले गए, और हम लोग घर से बेघर हो गए, इसका कौन सहारा होगा।
हम लोग बोले अभी ना ठीक है, अभी 10 मिनट का टाइम दे दो, कहता है 2 मिनट का टाइम में देंगे। हम मारेंगे, मार के और हमारे उल्टी तरीका से हमको खाली करने का हमको आता है। कौन बोल रहा है? वो पुलिस औरत बोल रही थी, लेडीज़ पुलिस बोल रही थी। उल्टे तरीका से हमको ना खाली कराने आता है, और अभी जल्दी निकलो ना तो मार करके निकालना आता है। हमारी लड़की को धक्के मार के पहले भगा दिए, उसके बाद हम लड़का है ना बाद में निकले, बस सिर्फ है ना मोबाइल ली और निकल गई। सामान वगैरह आप लोग निकाल पाए या निकाली? कुछ जो पहने हैं वही है, बस एक मोबाइल ली और निकल गई, बाकी चार्जिंग वगैरह सब अंदर ही है, कुछ भी नहीं ली। खाना पकाया था, मैं बोला कि थोड़ा खाना भी निकालने के लिए दे दो, बोला नहीं नहीं निकल सकता है। बर्तन में खाना ऐसे रखा हुआ, खाना पका हुआ वैसे ही रखा हुआ, ऐसे बच्चे है ना सुबह से भूखे, अभी है ना एक एक बिस्कुट खा करके बस अभी ऐसे बस फ्लोर पे मेरे पास आए सबसे पहले, और मुझे बोले कि रूम खाली करो। तो मैं बोली अरे रूम खाली करो ये क्या बात हुई? तो बोले नहीं, बोले ये बस अभी इसको सील करने का है। तो मैं बोली आप ऐसा सील करेंगे, हम अभी एकदम ऐसे 2 मिनट में निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो बोले नहीं, तुम्हारे को अब भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो अभी बोले है ना तेरे को है ना मार मार के हम सब जनते को निकालेंगे। तो मैं बोली नहीं ऐसा ऐसा, मेरे को हाथ मत लगाओ, नहीं मेरे को मारो मत, मैं बोली मैं आपको अच्छे से बोल रही हूँ। तो चारों पांचों पुलिस ने मुझे पकड़ा मेरे ही घर में, और मुझे पकड़ के मेरे ही घर में खूब जोर जोर से मेरे को ये करे, और मेरे साथ हाथापाई करके फिर मैंने मेरे बच्चे को आवाज़ दिया कि बेटा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो पूरे मेरे कपड़े फाड़ दिए वो लेडीज लोग ने, और मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा आया बेडरूम में से और मेरे लड़के को उठा के पुलिस वाले लोग को बोले कि लेके ये कर दो, बस ऐसा करके हो गया। किसने ये ऐसा हरकत की? ये लेडीज पुलिस लोग ने। तो मेरा बच्चा मुझे बचाने आ गया। क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन लोगों के जो इमारत है वो पूरी तरह से मनपा ने धोखादायक बताकर खाली करा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब ऐसे में ये लोग जाएंगे कहाँ? एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में दूसरी तरफ इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, लेकिन इनके जो इमारत में रहने वाले लोग थे वो लोग तो कुछ अपने परिवार के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो इस इमारत के नीचे अपने सामान को लेकर खड़े हुए, उनके पास कोई भी जगह नहीं है। ये लगातार मनपा से या स्थानीय नगर सेवकों से भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह की मदद पहुँचाई जाए। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।